हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बंगाली रेसिपी, बंगाली फिश करी, बंगाली माछेर झाल का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी एकदम बंगाली ट्रेडिशनल एक फ़िश करी है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट ज़रूरत है और इसका रेसिपी कैसे बनती है। पर उससे पहले आप लोग प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ भी नया वीडियो डाल दे तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए चाहिए फ़िश, मैं बंगाली आर्ट फिश लिया। इसको मैं नमक और हल्दी से मैरिनेट करके सरसों के तेल में फ्राई करके रख दिया। और चाहिए लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, हरी मिर्च। आलू को मैं ऐसे लंबा काट के ऑयल में फ्राई कर लिया नमक और हल्दी के साथ। कोरिएंडर लीव्स, चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुकिंग ऑयल। मैं सरसों का तेल में कुकिंग करूँगी, आप लोगों को जो भी ऑयल में कुकिंग करना पसंद है आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। और चाहिए पानी, इधर मैं एक कप पानी ले रही हूँ, आप लोगों का ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी कैसे बनती है। पहले कढ़ाई को गरम करके उसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी, मैं चॉप किया हुआ प्याज एक कटोरी डाल दिया और इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई होने के बाद इसके अंदर लहसुन डालना है और लहसुन को भी फ्राई कर लेना है। लहसुन फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ टमाटर डाल रही हूँ। इधर मैं एक टमाटर को चॉप करके रख दिया, डाल के इसको भी अच्छे से भून लूंगी। टमाटर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ और अदरक पेस्ट डाल दूंगी। देखिए इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेती और सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मैं टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। अभी मेरा सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो गया तो इसके अंदर मैं जो फ्राई किया हुआ आलू है हल्दी और नमक से फ्राई करके रख दिया था वो आलू डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा नीचे जल ना जाए इसलिए। अभी इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया और पानी ऐड कर दिया। फिर से थोड़ा सा पानी ऐड किया और अच्छे से इसको मिला रही हूँ एक साथ। वे इसके अंदर मैं कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स है वो डाल रही हूँ थोड़ा सा, बाकी मैं गार्निश के लिए लास्ट में डालूंगी और फिर से अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। अभी मेरा मसाला देख लीजिए पूरा फ्राई हो गया, पूरा पक गया और इसमें से तेल भी छोड़ दिया, तो इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। एक कप पानी डाल दिया, पहले हाफ कप दिया, अभी एक कप पानी डाल दिया इसके अंदर और इसको ढक के बॉईल होने तक रख दी। अभी देख लीजिए मेरा जो कढ़ी है उसको बॉईल आ गया, तो मैं इसके अंदर फिश ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं फ्राई करके रख दिया, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फिश को ऐड करके मैं गैस को एकदम स्लो करके 5 to 10 मिनट्स फिर से बॉईल होने के लिए छोड़ दे। अभी मैं 5 to 10 मिनट्स रख दिया, मेरा आलू बॉईल हो गया और फिश भी एकदम पक के रेडी हो गया। अभी मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ और इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, गरम मसाला पेस्ट है इसको मैं डाल रही हूँ।
और अच्छे से मिला लूँगी। और रेडी हो गया मेरा बंगाली फिश करी माछे झाले रेसिपी। इसको मैं गैस ऑफ करके एक सर्विंग बाउल में सर्व कर देती। तो रेडी हो गया मेरा बंगाली फिश करी बंगाली माछे झाले रेसिपी। इसमें मैं आलू ऐड किया। आप लोगों को अगर आलू पसंद नहीं होते तो आप लोग आलू स्किप कर सकते हो। और आप लोग घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।